चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे बॉर्डर प्रॉपर्टी इन सीएसएस। तो यहाँ पे देखिए, पहले से मैंने एक तो डीप एलिमेंट यहाँ पे बना के रखा है और इस डीप एलिमेंट का मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ। अभी आप देखेंगे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। देखिए, अभी इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं है। अगर आप इसमें बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डीप को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद देखिए, एक लाइन में भी बॉर्डर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर बॉर्डर लिख देता हूँ, उसके बाद ये उसका पिक्सल हो गया, ठीक है ना। ये पिक्सल में हो गया बोल रहा हूँ, मतलब इसका थिकनेस हो गया बॉर्डर का। और उसके बाद सॉलिड, ये स्टाइल हो गया। देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल है, मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख के रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो बॉर्डर का कलर चाहिए वो हो गया रेड। इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर आ गया, ठीक है। इसी चीज को हम लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बॉर्डर लिखूंगा और उसके बाद WIDDH वाइड दूंगा। इस बार वाइड में 10 पिक्सल दे दूंगा। उसके बाद फिर बॉर्डर का स्टाइल जो है BORDER बॉर्डर, और उसके बाद STYL स्टाइल। और यहाँ पे स्टाइल जो इस बार मैं डैश देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डैश लिख देता हूँ। और इसके बाद जाइए रिफ्रेश करिए तो देखिए डैश डैश करके आ गया। अभी हम लोग कलर अप्लाई नहीं किए थे, ठीक है। और दोस्तों, इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि आप कलर देना चाहते हैं मगर टॉप में खाली देना चाहते हैं, तो यहाँ पे बॉर्डर लिखिए, उसके बाद आप टॉप लिखिए, उसके बाद कलर लिखिए, और उसके बाद जाके फिर यहाँ पे मैं ऊपर का जो कलर है वो रेड देना चाहता हूँ। फिर देखिए, अभी यहाँ पे देखिए खाली ऊपर का कलर चेंज हुआ। उसी तरह टॉप लिख के आप कलर या वाइट जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, टॉप का स्टाइल जो है वो चेंज कर देता हूँ। टॉप स्टाइल जो है यहाँ पे मैं GROVE, ये एक उसका स्टाइल होता है, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए यहाँ ऊपर का स्टाइल जो है वो अलग आ रहा है, बाकी सबका स्टाइल जो अलग आ रहा है। उसी तरह से अगर आप नीचे में अगर चेंज करना चाहते हैं, मैं आ जाता हूँ और यहाँ मैं बटन कर देता हूँ, तो क्या होगा, नीचे का चेंज हो जाएगा। देखिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अगर आपको राउंडेड शेप लाना है इसका, जैसे कि आप गोल करना चाहते हैं थोड़ा, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होता है बॉर्डर, उसके बाद होता है रेडियस, उसके बाद यहाँ पे आप जितना पिक्सल इसको देना चाहते हैं, यहाँ पे मैं 10 पिक्सल दे दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ जाके इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ऊपर में ध्यान से देखिए थोड़ा गोल गोल आ रहा है। इस चीज को आप जितना बढ़ाएंगे वो उतना रेडियस उसका फैल होगा। जैसे मैं यहाँ 25 पिक्सल कर देता हूँ और उसके बाद जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए और गोल हो गया। अब सोचिए दोस्तों कि आप सिर्फ ऊपर का ही यहाँ इसका गोल करना चाहते हैं, इसका गोल करना चाहते हैं, नीचे में सीधे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको टॉप लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद रेडियस लिखना पड़ेगा, टॉप लेफ्ट रेडियस, ठीक है। इसको लिखने से क्या होगा, देखिए लेफ्ट साइड जो है इसका, जैसे टॉप लेफ्ट साइड ये है तो खाली यहीं पे अप्लाई होगा। देखिए ध्यान से, ये यहीं पे अप्लाई होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी अप्लाई करना है, इस तरफ से इसका राइट साइड में भी अप्लाई करना है। तो फिर इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों सेलेक्ट हो गया था, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे लेफ्ट का जगह मैं क्या लिखूंगा, राइट लिख दूंगा, RIGGST राइट, और इसको रिफ्रेश कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन नीचे का जो आपका ये हो गया बॉटम लेफ्ट और ये हो गया बॉटम राइट, ठीक है, यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम बॉर्डर दे सकते हैं कोई भी एलिमेंट में। ये डीप वन में था, ठीक है ना। इसी तरह से मैं यहाँ पे और भी डीप अगर क्रिएट करूंगा तो सब में अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे और एक डीप लेता हूँ, उसके बाद यहाँ रिफ्रेश करिए, देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से आ रहा है। इससे भी पेज बहुत अच्छा दिखता है। इसको अप्लाई करके आप अच्छा अच्छा वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं।